तो टॉपिक का नाम है कोलिजन्स। कोलिजन्स का मतलब दो बॉडीज का आपस में इंटरैक्ट करना, मिलना, मिलके सेपरेट होना। तो मिलने से पहले वेलोसिटी u1 u2, मिलने के बाद नई वेलोसिटी एक्वायर करना v1 v2, ये कोलिजन है। कोलिजन तीन टाइप की है, टक्कर दो बॉल्स की, दो ब्लॉक्स की, तीन तरीके से हो सकती है। पहली इलास्टिक कोलिजन, दूसरी इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और इसकी कुछ टेक्निकल बातें भी हैं कि इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा मोमेंटम एनर्जी, छोड़ो इसे, सिंपल लैंग्वेज में ख़त्म करता हूँ इन तीन टाइप की कोलिजन को एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल, आपने एक बॉल को लिया, आपने बॉल को 10 मीटर पे लिया, ये बॉल आपकी पहली बॉडी है, क्योंकि कोलिजन के लिए आपको दो बॉडीज कम से कम चाहिए, और दूसरी बॉडी कौन है, ग्राउंड है, दो हो गई। आपने बॉल को 10 मीटर पे लिया, छोड़ दिया, बॉल गई, टक्कर हुई ग्राउंड से, आपके हाथ में 10 मीटर पे वापस आ गई। ऐसा कब होगा, जब बॉल ग्राउंड को टक्कर मारेगी और अपनी कोई भी एनर्जी कम से कम ग्राउंड को तो नहीं देगी, तो बॉल अपना एनर्जी लॉस नहीं चाहेगी। बॉल की अगर काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई टक्कर मारने से, तो बॉल कभी भी 10 मीटर पे वापस नहीं आएगी। ऐसा होता नहीं है कभी भी, जिस हाइट से बॉल को गिरा जाए वो हाइट से कभी अटेन होती नहीं है, क्योंकि जब भी एक बॉल ग्राउंड को टक्कर मारती है अपनी कुछ एनर्जी का पार्ट ग्राउंड को देती देती है, तो इसलिए उस हाइट को कभी अटेन कर नहीं पाती। पर अगर ऐसा हो जाए 10 मीटर से बॉल चले और 10 मीटर पे वापस आ जाए टक्कर के बाद, ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हुआ हो। तो ऐसी कोलिजन को जिसमें एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के साथ लिखा जा सकता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक ही बात है, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक एक ही बात है। तो पहला रूल क्लियर है यहां तक। दूसरा एग्जांपल, आपने बॉल को लिया 10 मीटर पे, प्रैक्टिकली क्या होता है, 10 मीटर से बॉल गिरी, टक्कर हुई, 4 मीटर तक आ पाई बस, इसका मतलब उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड को ट्रांसफर हो गई, राइट, क्लियर है यहां तक। और ऐसा होता ही है, एनर्जी लॉस तो होते ही है। तो ऐसी कोलिजन जिसमें वो सेम हाइट अटेन करना पाई और एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो कौन सी कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमेशा होगा ही होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो पहला एग्जांपल में कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, काइनेटिक एनर्जी सेम, दूसरे में काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। दो, तीसरा, मान लो एक बॉल है, बॉल तो क्या है, गीली मिट्टी है, बॉल बना दिया आपने उसकी, और आपने उसको 10 मीटर से रिलीज किया, क्या होगा, जाके चिपक जाएगी, 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं आएगी, स्टिक टुगेदर। तो जब दो बॉडीज की कोलिजन होती है और टक्कर के बाद उनकी कोई सेपरेशन नहीं हो पाती, हम क्या बोलते हैं, कौन सी कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसके अंदर बॉल के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसने किसको दे दी, ग्राउंड को दे दी, अपने पास कुछ रखा ही नहीं, तो ऊपर कैसे आएगी, चिपक जाएगी। तो सारी 100% एनर्जी ग्राउंड को ट्रांसफर कर बैठी, 100% एनर्जी उसने लॉस कर दिया, तो कौन सी कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो मेरे एग्जांपल से तीन क्लासिफिकेशन समझ में आ रही है। तो एक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एक में होगा, और एक में बिल्कुल ही 100% हो जाएगा, ठीक है यहां तक। तो ये तो मेरे एग्जांपल से, जिससे कि आपको कोलिजन की क्लासिफिकेशन समझ में आई। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके पास कोई इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूं, लिख लो इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ भी यूज करेगा वो, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक एक ही बात है, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक एक ही बात है। तो अगर आपकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो एक चीज कभी चेंज नहीं होती, और वो क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो P की वैल्यू तीनों में हमेशा हमेशा क्या रहेगी, सेम, ये रूल है कोलिजन का। तो कोलिजन का पहला रूल क्या है, कोई भी टाइप की कोलिजन हो, चाहे एनर्जी लॉस हो या ना हो, मोमेंटम नहीं तो कांस्टेंट होना ही है, रूल नंबर वन। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लूज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, इन इलास्टिक में कांस्टेंट नहीं रहती, कम हो जाती है।
एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में देर इज नो सेपरेशन, दो बॉल्स की सेपरेशन नहीं होती, तो 100% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो दूसरा रूल भी क्लियर है। टोटल एनर्जी तीनों में कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी वैसे ही कांस्टेंट, तो इसके ऊपर क्वेश्चन वैसे भी आते नहीं है। मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन, मान लो दो बॉल्स हैं, एक मास m1 मूविंग विद u1, m2 विद u2, कोलिजन हो गई, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 v2। कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये रूल क्लियर है। जब हम बोलते हैं मोमेंटम कांस्टेंट है, तो कैसे लगेगी मोमेंटम की इक्वेशन क्लियर है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये चीज हमने ऑलरेडी पहले भी की हुई है कई बार, मोमेंटम जब कंजर्वेशन किया था उसमें एग्जांपल दिया था। तो रूल क्लियर है यहां तक कि जब मैं बोलूंगा मोमेंटम कांस्टेंट करना है दोनों बॉल्स का, तो कैसे करना है, और जब मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो टक्कर से पहले दोनों बॉल्स की एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, और टक्कर के बाद कोलिजन के बाद हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो इनकी इक्वेशन भी वैलिड है। तो दोनों इक्वेशंस क्लियर है मैथमेटिकली, जब इलास्टिक कोलिजन आएगी दोनों इक्वेशंस को लिखा जा सकता है न्यूमेरिकल्स में, रूल नंबर वन। अब कौन सी कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, तो u1 u2 से आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 v2, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये फर्स्ट इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी इसमें, तो ये इक्वेशन कभी भी मत लगाना, ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। ये भी क्लियर है यहां तक। टोटल एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होता है, हीट एंड लाइट, कोई दो बॉल टक्कर होंगी तो गर्म भी हो जाएंगी, डेंट पड़ सकता है या साउंड जनरेट होगी, तो लॉस ऑफ एनर्जी है। तो अगर इसकी एनर्जी टक्कर से पहले 10 जूल है, इसकी भी 10 जूल है, तो टोटल टक्कर से पहले 20 जूल है, और ये मान लो 4 जूल है, ये मान लो 4 जूल रह गई, 8 जूल, तो फिर 12 जूल कहाँ गई, हीट एंड लाइट की फॉर्म में लूज हो गई, तो टोटल एनर्जी पता है कि कहाँ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो जब इसके न्यूमेरिकल आते हैं इन इलास्टिक के, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन कभी नहीं बनानी, मोमेंटम की बनानी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें कोई सेपरेशन नहीं होती टक्कर के बाद, और ऐसा एग्जाम्पल हमने किया हुआ है, एक बुलेट आई m1 विद द वेलोसिटी ऑफ u1, सामने क्या पड़ा हुआ था, एक ब्लॉक m2 और लाइंग एट रेस्ट। बुलेट ने ब्लॉक के अंदर, बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस गई और बाहर ना पाई, तो देर इज नो सेपरेशन। तो कौन सी कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो देर इज नो सेपरेशन, और दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं कॉमन वेलोसिटी, तो वो सेपरेट मूव कर सकते हैं, मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन अलग अलग वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकते। यहां पर ब्लॉक मूव किया और बुलेट उसे सेपरेट ना हो पाया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। ऐसा क्वेश्चन भी वर्क पार में किया था ऐसे, कैसे, चाहे कोई कोलिजन हो, मोमेंटम तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही है, तो कोलिजन से पहले मोमेंटम बोलो इस बुलेट का कितना है, m1 u1, इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसका मोमेंटम क्या, जीरो। आफ्टर कोलिजन कॉमन मोमेंटम m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन, समझ में आ रहा है, ये बुलेट का मोमेंटम, ये ब्लॉक का मोमेंटम, और ये दोनों का कॉमन मोमेंटम, पर इनके बीच में सेपरेशन नहीं होगी, दे विल मूव एज अ वन बॉडी, अलाउड है। तो ऐसी कोलिजन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ऐसे क्वेश्चन में कॉमन वेलोसिटी पूछी जाती है और कॉमन वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो एग्जांपल्स में कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा तीनों में क्लियर है। तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। बुक्स तो ऐसे क्लासिफाई करती हैं कि तीन टाइप की कोलिजन है, पर मैं कोलिजन को बुक्स के हिसाब से नहीं पढ़ाता, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। मेरे को ऐसे चलना पसंद है, कोलिजन इलास्टिक है, और पहले लेक्चर में हम क्या करेंगे, बॉल्स को मूव करवाएंगे इन 1D, बस एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। फिर इलास्टिक कोलिजन किस में करेंगे, इन 2D, जैसे पूल टेबल है, एक बॉल रखी, एक बॉल आई, हिट, ऐसे चली गई, 2D, वो आज नहीं करेंगे। पहले हम करेंगे इलास्टिक कोलिजन 1D, इलास्टिक कोलिजन 2D, फिर हम करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन 1D, इन इलास्टिक कोलिजन 2D,
और फिर हम करेंगे परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन 1D। इसमें 2D होता ही नहीं है, गोली चली लक्कड़ में गई, दोनों इकट्ठे चल पड़े, ये तो सेपरेशन है ही नहीं, तो 2D कहाँ से होगा, तो 1D 1D होगा इसमें। तो क्लियर है यहाँ तक? तो कुल मिला के हम 5 केस करने वाले हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, सिंपल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ये कवर होगा, इलास्टिक कोलिजन इन 1D की थ्योरी ओनली, न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम होगा। देखो तो स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1D।